हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। सो वी आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू अवर पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 पार्ट 3 लेजिस्लेचर। सो सॉरी फॉर दैट, द वीडियो इज़ टू लेट बिकॉज ऑफ द सम कंडीशंस। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अवर न्यू टॉपिक इज स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। इन द प्रीवियस पार्ट 2 ऑफ दिस लेजिस्लेचर चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा से। सो स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा क्या दी गई हैं स्पेशल पावर्स। इफ यूनियन पार्लियामेंट विशेज टू रिमूव ए मैटर फ्रॉम स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, देन दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम राज्यसभा। अगर यूनियन पार्लियामेंट कोई सा भी सब्जेक्ट, हमने क्लास 10 में पढ़े थे ना, स्टेट के अलग सब्जेक्ट होते हैं, यूनियन के अलग होते हैं। यूनियन के जैसे क्या, डिफेंस करेंसी हो गया, ये कॉन्करेंट के क्या, मैरिज हो गया, ऐसे। तो ये इसको रिमूव, इनमें से किसी को भी कुछ भी रिमूव करने के लिए राज्यसभा की परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरी है मनी बिल को छोड़ के सारे बिल्स, सारे टाइप के बिल्स, इम्पीचिंग ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम होता है, दोनों की सेम पावर होती है। राज्यसभा गवर्नमेंट को रिमूव तो नहीं कर सकती, बट इट कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। देखो हमारे यहाँ क्या है, मेन पावर किसको दी गई है, लोकसभा को, बट राज्यसभा के पास क्या पावर है, इट कैन क्रिटिसाइज कर सकती है ताकि वो और अच्छा काम करे। दूसरा टॉपिक है हाउ पार्लियामेंट मेक लॉज। देखो ये, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस होल चैप्टर, पार्लियामेंट लॉज कैसे बनाती है। बहुत बार एग्जाम्स में आया, 5 से 6 नंबर का एवरेज लिया आता है। तो पहले एक बिल होता है, वो इंट्रोड्यूस होता है इन आइदर हाउस इफ इट इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। अगर वो बिल नॉन मनी बिल है तो वो किसमें इंट्रोड्यूस हो गया, राज्यसभा में, अभी बताया। अगर नहीं है तो सिंपल किसमें चल जाएगा, बिल के लिए कमेटी बन जाती है। उसके बाद बिल कहाँ जाता है, कमेटी के पास, कमेटी रिपोर्ट देती है, पीपल्स इनपुट होता है इसके अंदर, मींस सिटीजन्स का इनपुट हो सकता है। जो कमेटी रिपोर्ट देती है इसके अंदर सिटीजन्स अपनी राय दे सकते हैं, फिर इसका हाउस इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। फिर डिटेल डिस्कशन होता है हाउस के अंदर, बिल एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जा सकता है। इधर बिल सेंट होता है अदर हाउस में, दूसरे हाउस में बिल सेंट किया जाता है। अदर हाउस अप्रोचेस और गिव रिकमेंडेशन, दूसरे हाउस क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है और रिकमेंडेशन के लिए दे सकता है, या तो भाई फॉरवर्ड कर दे बिल को, आगे बढ़ा दे, नहीं तो रिकमेंडेशन के लिए वापस से यहां भेज सकता है। अगर जरूरत होती है, जो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है उसके बाद बिल कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करता है, या तो अप्रोच कर सकता है बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, वापस से भेज सकता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद हम सब नहीं जानते हैं कि बिल लॉ बन जाता है। अब बिल कितने तरीके होते हैं, 6 तरीके के बिल होते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, मनी, नॉन मनी, ऑर्डिनरी, कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट बिल कौन सा, इफ आई हैव अथॉरिटी, अगर मेरे पास कोई अथॉरिटी और मैं कोई बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं तो वो कौन सा बिल होगा, गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट बिल, अगर मैं प्राइवेट हूँ, मैं आज भी प्राइवेट ही हूँ, तो मैं प्राइवेट हूँ तो अगर मैं बिल को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मतलब मैं कोई अभी इस समय कोई राय देता हूँ गवर्नमेंट को बिल बनाने के लिए, तो वो प्राइवेट बिल होगा। मनी बिल, पैसे से फाइनेंस से रिलेटेड जो बिल होते हैं। नॉन मनी बिल, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स, सिंपल बिल, सिंपल रूल्स एंड लॉज के लिए जो बिल्स बनाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये सबसे बड़े बिल्स होते हैं अभी तक के। हमारे कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक, ये सब आप बताइए। अब आता है आर्टिकल 109, ये स्टार पॉइंट है। तो पूरा का पूरा ये मनी बिल से रिलेट करता है। ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो मनी बिल है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। अभी रिसेंटली राजस्थान के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, याद रखिएगा। तो स्टेट ऑफ काउंसिल के अंदर मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं, स्टेट काउंसिल कौन सी होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके अंदर हमारे MLAs बैठते हैं, उसके अंदर मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है। सो दिस इज द होल चैप्टर। ये जो टॉपिक है ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा नॉर्मल है और ये तो आपको याद हो ही जाते हैं नॉर्मली, गवर्नमेंट, नॉन मनी, मनी, प्राइवेट, ये सब तो नॉर्मल है याद कर। लेकिन ये हमेशा आता है, तकरीबन 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और सॉरी वीडियो बहुत लेट हो गई, कुछ कंडीशंस थी इसके पीछे। सो अब वीडियो लगातार आएंगी। थैंक यू सो मच।